हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं जीत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीत्स वेव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग कल 17 फरवरी 2022 को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम कल मैथ का एग्जाम में कॉपी किस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए हम आपके लिए जो है कुछ यहाँ पर बोर्ड की कॉपी जो है यहाँ पर हम लाए हैं, है ना। मार्केट से हमने कुछ खरीदा है, ये मार्केट में मिलता है जब एग्जाम हो जाता है, तो ये मार्केट में कुछ कॉपियां मिलती है, वहीं से हम लोग लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको ये कॉपी रहेगा, लेकिन जो है इसमें क्या है ना कि इसमें फोटो वगैरह लगा रहता है। ये उन लोगों के लिए है जो फेल कर जाते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए कॉपी रहता है जिसमें देखिए फोटो कहीं पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके बीच वाले भाग में आपको कुछ लिखना होता नहीं है, बीच वाले भाग में आप कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा ऊपर में लिखा रहता है जो, ठीक। बाकी इसमें जो है सब कुछ आपका भरा हुआ रहेगा, सिर्फ इसमें आपको सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर का जो कोड होगा ना, उसी को यहाँ पर आपको रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद धड़ाक से इधर से कॉपी हम पलटेंगे और इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत अच्छा तरीका से कि एग्जाम में हम कॉपी किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। हमने जो है पिछले साल कुछ विद्यार्थियों को गाइड किया जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लाए एग्जाम में, उसी प्रकार से आपको भी अच्छा नंबर लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो दोस्तों, ये है आपका मैट्रिक, है ना, बोर्ड एग्जाम का कॉपी, ठीक है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बीच वाले में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। जो भी रहेगा यहाँ पर सेट का यहाँ पर अपना भरिएगा। क्वेश्चन पेपर अगर ए है तो ए रंगेंगे, बी है तो बी रंगेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है, यही सब आपको, बाकी सारा आपका भरा रहेगा। यहाँ पर जरूर देख लेना आपका इधर फोटो रहेगा, ठीक है। तो यही आपका कॉपी रहेगा, इसी प्रकार का कॉपी रहता है, इसी में आपको किस प्रकार से लिखना है वही हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो इस पेपर में कुछ नहीं आपको करना, कहीं पर कोई सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो होता है ना इसमें छोड़ देना, ठीक है। ये पहला जो आपका देख रहे हैं पेपर, ये टू है, इसमें कुछ छोड़ देना, ठीक। और यहां से देखो दोस्तों स्टार्ट करना, ठीक। ये दोनों तरफ जो है ना इसको छोड़ देना, तुम दोनों तरफ कुछ मत करना, ठीक है। और यहां पर जो भी क्वेश्चन नंबर लिखना वो थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ताकि देखने से पता चले कि हाँ क्वेश्चन नंबर वन है, ये टू है ना, ये थ्री है, इसी प्रकार से, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पर हम किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे मैथ में हम जब बना रहे होते हैं तो मैथ में हम आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर नहीं, बल्कि यहां पर हल लिखेंगे या तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि आंसर तो होते हैं लास्ट में जो होते हैं, यहां होते हैं आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के इसी के जैसा कॉपी रहेगा। तो देखो हमने इस प्रकार कैसे इस कॉपी को लिखा है, ठीक है, आपके लिए ही मैंने लिखा है। तो इस प्रकार से देखो, देखो लिखने के बाद अगर मान लो कि ये जो हम मैथ बना रहे हैं तो ये हमारा सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। तो इधर जो गैपिंग आ जाता है, तो इधर ज्यादा अगर गैप आ रहा है तो इसमें क्या करना दोस्त, इसमें क्या आना, बीच से पेंसिल से इस प्रकार से ड्रॉ करना और बीच में क्वेश्चन का नंबर देकर फिर वहां पर एक आंसर दे सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी पिछले साल भी दिए हैं जो कि बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, है ना। यहां पर देखो ध्यान से, फिर यहां से आ जाओ 6-7। यहां पर देखो फार्मूला जो है ना, फार्मूला की जो बात होती है उसे पेंसिल से मार्क करना, ठीक है, पेंसिल से मार्क करना या तो फिर ब्लैक पेन से लिखना, पेंसिल से मार्क करना या तो फिर ब्लैक पेन से लिखना। और कहीं पर ज्यादा गैप हो जाए तो वहां पर नीचे में PTO लिख देना, ठीक है। अरसमन में ज्यादा गैपिंग जा रहा है तो इस प्रकार से करना। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये टोटल हमने इसमें जो है क्वेश्चन, इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न का आंसर इसमें हमने दिया है। देखो आप बढ़िया से इसको देख सकते हो, जहां पर हमने फॉर्मूला का उपयोग किया है वहां पर हमने पेंसिल का मार्क किया है, ठीक है। देख लो यहां पर भी हमने एक छोटा सा प्रमेय भी यहां पर साबित किया है, देख सकते हो। देखो ये पेंसिल से, ये पेंसिल से है, पेंसिल से बनाया हुआ है, ठीक। कुछ विद्यार्थी तो कहते हैं कि हमें सजाने का टाइम ही नहीं मिलता है। अरे यार, पहले से प्रैक्टिस करोगे तब ना मिलेगा, पहले से पढ़ते हुए नहीं ठीक से, इसीलिए तो सजाने का टाइम नहीं मिलता है आपको।
यह देखो इस प्रकार से ग्राफ, ग्राफ को वहां पर पेपर आपको दिया रहेगा तो उसमें आपको ढंग से बढ़िया से ग्राफ बताना है, बनाना है। यहां पर लिखना 10 छोटा घर बराबर एक इकाई और यहां पर आपका आंसर होना चाहिए। इसी प्रकार से मार्क कर देना पेंसिल से, ठीक है। एक नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। ग्राफ के पहले वाले पेज पर इस प्रकार से बनाना है ना, इस प्रकार से पहले सारणी को लिख लेना, इस प्रकार से सारणी को हल कर लेना, उसके बाद वाले पेपर में आप ग्राफ देना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, ये खिलौना वाला प्रश्न है, इसका आंसर तो लोगों को जुबान पर याद होता है ना, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या याद है। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से बनाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है ना, उसके बाद इसके नीचे एकदम बढ़िया से सुंदर राइटिंग में एकदम लिखना, हमसे भी अच्छा लिखना, ठीक है। आग लगा देना कॉपी में ऐसे लिखना तुम, समझा, कि कॉपी चेक करने वाले का दिमाग खराब हो जाए कि अरे यार ये कैसे लिख दिया, ठीक है। और जो है ना क्वेश्चन का अथी कॉपी का जो है सबसे पहले पीछे वाले हिस्से को क्या करना, रफ कर देना, ठीक है। एक पेपर रफ करना, सबसे पीछे वाले हिस्से पर रफ करना अगर ग्राफ इसमें नहीं है, नहीं तो सबसे आगे वाले पेपर पर रफ करना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिख के आना, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि ये जो एग्जाम आपका होने वाला है बहुत ही धाकड़ एग्जाम आपका होने वाला है, क्या कमेंट में हमें जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा।